सुबह से अभी हम तैयार हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ऑटो एक्सपो। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 10:30 हो रहे हैं और मैं और शैम्पू जा रहे हैं। इतनी जल्दी बेसिकली मैं उठता नहीं हूँ, मेरा जो टाइम टेबल थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। मैं सोता ही 3 बजे हूँ और लगभग हाँ मैं 10:30-11 बजे जगता हूँ, पर आज मैं थोड़ा 9 बजे से ही 8:30-9 बजे से उन्होंने मेरा जीना आराम कर रखा है, खास करके 7 बजे क्योंकि मैं नहीं गई थी खैर इनसे। और मैं कल रात को भी लगभग 4 बजे करीब सोया था, 4 घंटे की नींद, इसलिए आंखें अजीब से हो रही हैं और अभी उठाऊँ बस रेडी होके और जा रहा हूँ बस। ठीक है, जो काम हो ही रहा है हल्का हल्का, सो उस वजह से थोड़ी आवाज़ बांसुरी जैसी आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी चलते हैं ऑटो एक्सपो, क्योंकि यहाँ से जाने में ही हमको कम से कम पहुँचने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है रास्ते में। उस टाइम पे ऑफिस टाइम होता तो वैसे भी दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाना, वो भी तिलक नगर से, तो खुद ही सोच लो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं और वहाँ पहुँच के तुम्हें दिखाते हैं। और शैम्पू पहली बार ऑटो एक्सपो जा रहा है, मैं 3री बार जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। सो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट से। सो ऑलरेडी लेट हैं, हमें जो है 11 बजे वहाँ पहुँचना था, पर 10:30 तो हम यहीं से निकल रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 12 बज जाएंगे। इस बार वैसे कम कंपनी आई है ऑटो एक्सपो में, बहुत कम कंपनी आई है पिछली बार से, तो हर 2 साल में होता है वैसे भी, तो पता होगा एशिया का सबसे बड़ा मोटर शो है, पर फिर भी कंपनियाँ कम आई हैं, फोर्ड भी नहीं आई है मेरे हिसाब से। सो जो भी आई होगी वो दिखा देंगे। तो गाइस आ चुके हैं हम ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो, और यहाँ से हमें अभी बहुत दूर जाना है, पूरी पार्किंग है जिधर मैं खड़ा हूँ, और कहीं वहाँ कहीं जाना है। अब पता नहीं यार, यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ से बसेस चलती थी फ्री में, और शायद टिकट भी थोड़ी ज़्यादा थी पिछली बार, 450 थी या 400 थी, वो याद नहीं है, 2 साल हो गए, हर 2 साल में एक बार होता है और फैम में होता है। सो अब देखते हैं इस बार कैसे जाना पड़ेगा। यार मुझे लग रहा है ऑटो ही लेना पड़ेगा। जल रही है, जल रही है, जल रही है भाई। चलो लौंडा शॉट लग रहा है मैं अभी की तो बात कर रहा हूं फिर मैं तो लग ही रहा हूं भैया हमारा भी कैसे हम दोनों दोस्त तक तो। सो भैया ऑटो वालों से अगर तुम पूछते हो तो 20 रुपये सवारी है ना, 20 रुपये सवारी आने का, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर सा पड़ेगा गेट नंबर 1 या 2, 5 तो और थोड़ा पास ही पड़ता है। सो वॉकिंग डिस्टेंस पे सब वॉक करके आ रहे हैं, तो हम भी वॉक करके आ गए। तो चलो यही बिल्डिंग है जो पीछे, इसके अंदर हमें एंट्री करनी है, बुक माई शो का हमें स्टॉल देख रहा है, वहाँ से हमें मुझे टिकट कलेक्ट करनी है, देन उसके बाद हम अंदर चलेंगे। चलो भाई टिकट आ गई हमारी, गेट नंबर 2। तो ये एंट्री हो चुकी है अंदर हमारी, ये टिकट हमारे हाथ में है और वो भी रख लेते हैं। गेट नंबर 2 से हमने एंट्री की है, और एंट्री करते ही सामने लिखा हुआ था इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ 2-व्हीलर। तो भैया 2-व्हीलर जो है सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है इंडिया। अभी बस अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये मुझे लगता है पीछे मीडिया वगैरह की गाड़ी वगैरह खड़ी है यहाँ पे इधर। चलो अंदर देखते हैं। आप यहाँ के पैम्फलेट वगैरह भी ले सकते हो, तो कुछ इस तरीके का गाय
गाइस हमने ये वाली जो बिल्डिंग है ये हमने खत्म कर दी है, अब हम जा रहे हैं इधर, इसमें देखते हैं। इसमें हमने देखी है किया, देखी एमजी, देखी और वो हमने ट्रक देखा है, इलेक्ट्रिक ट्रक, वो कॉन्सेप्ट ट्रक था एक छोटा सा भाई, वो देखो एक दो चीजें थी इसमें, दो तीन कंपनियां, एक नई कंपनी आई है MWB शायद नाम है, क्या है वो याद नहीं आ रहा, हवल हवल ऐसे करके कुछ है। सो वो दो तीन इसके अंदर है, GWMP हवल, हां GWMP। और बाकी अब इधर चलते हैं, इधर देख के आते हैं, चलो अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, चलते हैं, मजा आ रहा अभी तो। सो गए सभी 2 बज रहे हैं और ऑटो एक्सपो से हम बाहर आ गए। ये वाली जो ये वाला हॉल है, वो जो हॉल है और उसके पीछे हॉल है, ये तीनों हॉल हमने कवर कर लिए इतनी जल्दी। हम लगभग 12:30 बजे हमने एंट्री की थी और इसमें कुछ है ही नहीं यार, बाइक की कंपनियां आई नहीं है, एक दो आई है, सुजुकी आई है और एप्रिला थी, वो भी छोटे छोटे स्टॉल है सब, जितेंद्र, ये क्या हो रहा है, ये ऑटो एक्सपो में मज़ा नहीं आया भाई साहब, भले ही 350 रुपये टिकट हो पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। पिछली बार बहुत अच्छा था, इस बार मतलब कुछ है नहीं, पिछली बार मतलब मैं देख नहीं पाया था, इतना बड़ा था, और इस बार इतना छोटा है कि मैं देखना चाहता हूँ पर देख नहीं पा रहा क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। सो बस यही है, अब हम बाहर आ गए, अब बस चल रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ और कुछ खास है नहीं। सो जो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है वो ये किया है कि मैंने मेन मेन चीज़ें शूट की है, बाकी तो लकी ड्रॉ में हमने लकी ड्रॉ में जीत ली, हाँ जीत रहा लकी ड्रॉ में, वहाँ भीड़ में कौन खड़ा होगा लकी ड्रॉ के लिए, खुद खरीद लेंगे एक दिन, चलो चलते हैं। अब आ गए हैं हम बाहर ऑटो एक्सपो से और अभी उधर हमें जाना है, उधर हमारी पार्किंग है, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, और अभी निकले हैं। तो ऑटो एक्सपो में सीरियसली बोलूँगा, ये तो पहली बार आया है तो ये इसको ठीक ही लगेंगी चाहिए, अच्छी था, पर मेरे को देखा जाए तो दोनों साल में अब तक का सबसे बेकार ऑटो एक्सपो था, टिकट भी कम है, बस की सर्विस कम कर दी चलो ठीक है, अब अंदर कोई कंपनी ही नहीं आई है, टाटा की जैगवार तक नहीं आई, ठीक है टाटा में भी एक आधी कुछ था, ट्रक व्रक ज़्यादा खड़े थे, ठीक है उसके अलावा जैगवार नहीं आई, उसकी क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं रेंज रोवर नहीं आई, ठीक है रेंज रोवर ठीक है, कहाँ थी रेंज रोवर जी, मैंने तो नहीं देखी थी, ठीक है पार्किंग में थोड़ी, ठीक है BMW नहीं आई यार, और बाइकों की तो कोई कंपनी आई नहीं है, जितेंद्र आई है, जितेंद्र ऐसी ऐसी बाइकें आई हैं, एक आध कोई कंपनी आई है, पता नहीं कैसी कैसी, इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा जोर है, ज़्यादातर सब इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब वैसे कोई कुछ है नहीं वहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक पर चलो अच्छी बात है, बढ़िया है दे रहे, पर इलेक्ट्रिक की भी कोई अच्छी कंपनी कोई ऐसी नहीं आई है, मतलब कि बाइकों में जैसे कि रिवॉल्ट वगैरह है वो कोई इसमें मेरे को कहीं दिखी नहीं, ठीक है और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है, सो वो सब ये मेरे को यहाँ पर कहीं दिखी नहीं, और जैसा कि मुझे पहले से पता था कि कंपनियाँ नहीं आ रही, पर मुझे लगा था कुछ तो होगा, पर यह कुछ भी नहीं है, मतलब इस बार वर्थ नहीं लगता मेरे को आना, मैं आ भी नहीं रहता, बस ये है कि फिर सोचा कि चलो एक वीडियो बन जाएगी आप लोगों के लिए, तो आ गए एक, फिर इसकी एक छुट्टी थी, इसने भी बोला कि चलते हैं, तो मैंने कहा फिर चलते हैं, चलते हैं बस, चल गए फिर हम, ठीक है और अब घर चल रहे हैं, अब यहाँ से भी चल रहे हैं, चल रहे हैं क्योंकि भैया यहाँ से 60 किलोमीटर के करीब पड़ेगा हमें जाने में दोबारा, सो इतने में तो घर पहुँच जाते हैं, इतने में तो आज हम पिक्चर देखते हैं बढ़िया यार, हम मस्त, कौन सी पिक्चर आ रही है, ऐसे कैसे होता, कौन सी मूवी चल रही है इस टाइम बढ़िया, मलंग, मलंग चलो आज मलंग देखते हैं, चलो घर यहाँ भी चलते हैं। तो ये अब आ चुके हैं, क्या दोबारा, कोई दोबारा, कोई रीटेक नहीं होगा, कोई रीटेक नहीं होगा, कोई रीटेक नहीं होगा, गाली दे दूंगा, दे दे गाली, देख क्या देख, धमकी, मैं गाली दे दूंगा, धमकी देख रहे हो, चलो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी में और हम घर जा रहे हैं अब, ठीक है मेरी वीडियो कहाँ डालेगा, तो यूट्यूब चैनल चलाता है, चलो ठीक है फिर घर चलते हैं, तो कर लेना, मैं मना कर रहा हूँ भाई, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो गाड़ी ऑन कर रहा हूँ, गाड़ी में बहुत गर्मी हो रही है ना, गर्मी नहीं हो रही बहुत ज्यादा,
और सही में मज़ा नहीं आया, दोबारा बोलूँगा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया ऑस्पो में। ऑस्पो में ऑस्पोरी एक्सपो एक्सपो। चलो चलते हैं। भैया गलती हो गई भैया, आगे से नहीं बैठूंगा भैया। तो ये अब आ चुके हम घर, और घर आने के बाद इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो ओवरऑल पहले सबसे पहले बता दें कि इस वीडियो में लगभग क्या था कि ऑटो एक्सपो गए आए, देखने में मज़ा नहीं आया, इतना कुछ खास उसमें था नहीं। वहाँ पे मैं बोलूँगा कि किसने अभी तक नहीं देखा एक बार भी तो एक बार देख के आए, उसे थोड़ा सा देख कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, कैसे कार वगैरह एक मोटर शो टाइप का देखने को मिलेगा। पर अगर जो लोग जा चुके हैं पहले तो वो ना जाएंगे, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा कोई खास नहीं है। बस एक जो नई कंपनी आई है वही है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। सो बस यही है, तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, को सब्सक्राइब करके जाना। और आज बहुत ज़्यादा वाइड एंगल आ रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपने कैमरे से शूट कर रहा हूँ, इसलिए बहुत भारी सेटअप है। चलो बाय।